हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज आप लोगों को अपने सामने मारुति की तरफ से आने वाली बलिनो दिख रही होगी। अभी ये बलिनो है और वो स्विफ्ट है। अभी है ना, बलिनो स्विफ्ट हमेशा कांटे की टक्कर में रहते हैं, लेकिन बिकती बेचारी वो ज़्यादा है क्योंकि वो इससे कम रेट में आती है, वो सस्ती गाड़ी है। ये थोड़ी महंगी गाड़ी में आ जाती है। अभी इसकी गाड़ी की बात करें तो भाई लुक्स में ये A1 है। लाइट आपने इसकी इतनी तारीफ सुनी होगी कि भाई बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। जो प्रोजेक्टर आते हैं ना, ऐसा थ्रो मारते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी फॉर्चूनर जैसी गाड़ियाँ भी ये पीछे हो जाती हैं इसके प्रोजेक्टर के आगे। तो ये चीज़ है भाई। बाकी ये देख लो आप, पीछे से अगर मैं बात करूं तो ऐसी कुछ ये दिखती है बलिनो। और मैं बूट स्पेस की बात कर लूं, भाई बूट खोलना, बूट स्पेस की बात कर लें तो भाई इतना कुछ बूट स्पेस आता है आपको इस गाड़ी में। पार्सल ट्रिप भी मिल जाएगी। और बंद करते हैं बूट, और बंदा आराम से ऐसे लेट भी सकता है अगर चूहे की बात करें तो। ये बाकी गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, भाई से अब गाड़ी में बैठ के बात। तो गाइस, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम लोग और अभिषेक भाई अपने साथ हैं। तो भाई अभी कौन सा मॉडल है ये? भाई 2021 है। 2021 मॉडल है पेट्रोल। 2021 में जब आपके हाथ में कितने लाख रुपए थे भाई? 8 की आई थी। 8 की थी। तो 8 लाख रुपए जब आदमी हाथ में लेके चलता है तो उसके बाद मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अभी इसी की सेगमेंट की बात करूं तो प्रीमियम हैचबैक में i20 इसको बहुत अच्छा कंपटीशन देती है भाई। हाँ भाई, वो भी इतने तक की आती है। i20 क्यों नहीं ली भाई? i20 एक तो वर्थ नहीं थी उसको, उसमें ना तो अलॉय देते स्पोर्ट्स में, ना LED हेडलैम्प देते। इसकी लाइट्स देखो आप कितनी तगड़ी हैं। नहीं, बहुत तगड़ी है, वास्तव में तगड़ी है। बस इसी चक्कर में, और थोड़ी मतलब लुक्स इसकी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को नई वाली i20 से, इसीलिए आपने। और ये उससे ज्यादा परफॉर्मेंस भी सही है इसकी। बाकी इससे पहले कौन सी कार चला रहे थे भाई? भाई SX4 थी। SX4, वो भी मारुति की। हाँ, 2010। तो अभी जैसे मारुति बंदा सोचता है यार ब्रांड चेंज कर लेता हूँ। SX4 कौन सा मॉडल था आपका? 2010। 10 से 20 तक चलाई? हाँ, 20। तो डीजल थी ना? पेट्रोल। पेट्रोल थी। तो 10 साल आपने वो गाड़ी चलाई, 10 से 20। तो गाड़ी का एक एक चीज पता चल जाए। SX4 भाई बहुत बिकती थी अपने टाइम में। इसने मेरे हिसाब से कंफर्ट था भाई उस गाड़ी। अगर उसे बंद नहीं करते तो डिजायर नहीं चलती इनकी। हाँ, ये बात भी सब जानते हैं। तो SX4 के बाद जब आपने गाड़ी लेने की सोची तो ये नहीं सोचा यार ब्रांड चेंज कर लेता हूँ, 10 साल से मारुति चला ही रहा हूँ ना भाई, पता है इसका के क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी आप इसी के लिए गए भाई? एक तो सर्विस सही हो जाती है, अपने सर्विस सेंटर कहीं भी मिल जाते हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं, लोकल वे भी करवा लोगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इसमें ज्यादा सेंसर्स नहीं है तो कोई मतलब बाहर भी सर्विस कराते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अभी जैसे कि आपने बोला सर्विस सही हो जाती है, तो कितने तक की कॉस्टिंग आ गई इसकी 10,000 वाली सर्विस की? भाई 1600 रुपए लगे थे। 1600 रुपए? हाँ। बस इंजन ऑयल डलाया क्या? इंजन ऑयल, फिल्टर सब चेंज हुआ। यार 1600 में कैसे हो गई सर्विस यार? मारुति से नहीं कराई? मारुति से कराई थी, प्रेम मोटर से ऑथराइज। 1600 का तो इंजन ऑयल ही नहीं आता होगा यार, वही 1400-1500 रुपए का आता है। GST VST कुछ भी लगाया क्या उन्होंने? लगाया था, बिल पड़ा है देखते हैं। हाँ, दिखाना भाई बिल दिखाओ। 1600 रुपए में रुको जरा, सबर करो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। बाकी भाई जब गाड़ी के अंदर से देख रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी सी लग रही है। मतलब कि ये सब दिखा देता है, एवरेज वगैरह सब दिखा देता है, टाइम वगैरह दिखा देता है। फोन पे जाओगे दिखा देगा कि भाई किस किस के फोन कनेक्टेड है, इसे ऐसे ऑफ कर दो घड़ी में नहीं आ जाएगी। रात में बहुत प्रीमियम लगती है भाई, लाइट अच्छी है अंदर से, मीटर वगैरह काफी अच्छा है। तो ये चीज तो भाई इसमें पूरी लग्जरी देने की कोशिश करी हुई है इन लोगों ने। बाकी ये यहाँ पे येलो है, ये कभी बदलवाने का मन नहीं करा? चलती नहीं है? नहीं चलाते? डोर पे भी ऑफ है? नहीं, डोर पे भी ऑफ है। पीछे वाली जलती है डोर? अच्छा, ये नहीं जलती, ये सिर्फ हाथ से ही करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, तो ये है भाई। बाकी भाई बाहर से क्या क्या काम करा रखा है भाई? एक तो बस रिफ्लेक्टर लगा हुआ है पीछे, एक सब वूफर है पायनियर का, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है? एक मैट है बस, ये मैट है। और ये स्टीयरिंग रैप? हाँ, ये भी है। ये करवाया था आपने? ये तीन चार काम। बाकी मेजर कुछ नहीं कराया? मेजर कुछ नहीं कराया। अच्छा, तो ये है जैसे कि भाई लोग स्पीकर छिड़वा लेते हैं या आपने रखवाया हुआ है? हाँ, बस मैंने ये भी कनेक्ट भी नहीं करे एम्प से। अच्छा, स्पीकर ओके। बाकी इसका एम्प यहाँ रखा है? नीचे नीचे रखा है भाई। ये देख लो भाई, ये रखा, लाल लाल तारे जा रही है एम्प की, ये देख लो। बाकी ये है भाई,
बाकी भाई जैसे कि अभी ये गाड़ी आपने कितने की ली थी? 8 लाख रुपए की। हाँ भाई 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए जब आपने इस गाड़ी पे लगाए तो आप कह रहे हो भाई सर्विस बहुत अच्छी हो जाती है, कोई भी मैकेनिक कर देता है, बाहर से भी करा लो दिक्कत नहीं आती। एसी तो भाई मैं खुद मारुति चला रहा हूँ, बहुत गजब का एसी, बहुत तगड़ा एसी है, मैं खुद कह रहा हूँ। ये तो आपने फिर भी 24 पे सेट कर रखा है, मैं तो मेरी वाली में तो वो है ना लाल वाले नोब है तो वो ही इतना चिल्ड कर देते हैं, तो ये तो फिर भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आ रही है भाई। एसी भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन एक जहाँ पे चीज आके जहाँ मारुति ओनर चुप हो जाते हैं वो इसकी है, बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है भाई। अभी भाई इसके बारे में क्या ख्याल है? भाई इसके बारे में क्या ही जब है तो है, अब इसको बदल तो सकते नहीं। वैसे लोग कहेंगे कि i20 यूनिट वो भी ऐसी आ रही है, उसके कितने 2 स्टार है उसके इतना ही फर्क है, है ना? तो ये है भाई, बाकी तो i20 ना एवरेज देती ना भगती, पेट्रोल में तो बिल्कुल एवरेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब लुक्स भी कुछ खास नहीं है इसके सामने। अब वाली तो बेकार कर दी जो अब आ रही है, पहले वाली तो थी भाई, अब वो चीज ही अलग थी, तो डीजल में भी। बाकी जैसे कि भाई आपने चला लिए 13,270, इसमें इसका लॉन्गेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है गाड़ी का? भाई लॉन्गेस्ट रहा है 1300 किलोमीटर। कहाँ गए थे भाई? पापा लेके गए थे एमपी। एमपी तो एमपी में कितने जने थे जर्नी में? 3 बंदे थे। आप थे उसमें? नहीं मैं था, मेरे एक मामा था। अच्छा, तो कोई दिक्कत आई हो गाड़ी ने कहीं? धोखा ना भाई, 20+ एवरेज दिए गाड़ी ने पूरे ट्रिप पे। हाँ, 2 टंकी में अप डाउन होगी भाई, बहुत सही यार, 2 टंकी ही लगनी चाहिए। हाँ, मैंने भी एक बार करा था स्विफ्ट का, इंदौर में भी एमपी गया था, तो 2 टंकी ली थी इस गाड़ी ने, लेकिन घर आते आते रिजर्व में लग गई थी 2 टंकी। हाँ, रिजर्व में लग गई थी, ऐसा ही हुआ था। तो ये बाकी एवरेज तो फिर बहुत अच्छी दी है, विदेशी बता रहे हो ना? विदेशी, गर्मी में विदेशी। बाकी जैसे कि भाई अभी चूहा पीछे बैठा है तो इसको भरपूर लेग स्पेस मिल रही है, इसको इतनी स्विफ्ट में कभी भी नहीं मिल सकती। और आप i20 में भी बैठे हो पीछे भाई, इसमें बढ़िया लेग स्पेस है, मतलब वरना सेडान आती है उसमें भी नहीं मिलती लेग स्पेस इतनी जितनी बलिनो में मिल रही है। बाकी भाई जैसे पीछे वेंट नहीं है तो कहीं गर्मी वर्मी महसूस हो रही है? नहीं, ये वाले सही काम कर रहे हैं। अभी तो जैसे मौसम भी ठीक है तो अभी के हिसाब से तो सही है। और अगर मैं आपके साथ 2 जनों को और बिठा दूं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो होगी भाई, एक और में नहीं होगी, 2 जनों में, 2 जनों में तो क्या ही होगी, है ना? तो ये चीज है, बाकी आगे दो पीछे दो, 4 जने आराम से बैठ के जा सकते हैं। बाकी जैसे कि भाई ये एक हैचबैक है, अभी इससे हम एसयूवी वाले काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आप गुड़गांव में इतने सालों से रह रहे हो, आपको पता है कि यहाँ थोड़ी सी बारिश में ही पूरा वाटर पार्क बन जाता है, तो उस वाटर पार्क में आप कभी अपनी गाड़ी को लेके गए हो? हाँ भाई, कभी गाड़ी ने ऐसा हो कि करंट छोड़ दिया हो, पावर लॉस, आज तक बंद नहीं हुई, निकल गई। और जहाँ आप रहते हो भाई के साथ, वहाँ पे तो और बुरा हाल होता है पानी का, जो माता रोड है वहाँ पे कैसा रहा भाई? धीरे धीरे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट गियर में करके निकाल लो, गियर में। तो ये चीज है भाई, मतलब कि गाड़ी मारुति मेरी भी भाई एक बार आपको पता होगा काफी पानी में चली गई थी, तो मैंने भी, मेरी भी निकल गई थी, तो ये भी निकल ही जाएगी भाई। बाकी भाई जैसे कि ये आता है 1200 cc का इंजन, 83 bhp, 113 Nm का टॉर्क, 83 bhp कहीं पे ऐसा लगता है कि यार कम है, नहीं मजा नहीं आ रहा ना भाई, गाड़ी के हिसाब से सही लगती है मेरे को तो। बाकी कभी पहाड़ों पे लेके गए हो इसको? भाई अभी तक तो नहीं गई, नहीं गई, एक ही साल हुआ है ना, एक साल हुआ है, इस विंटर में देखते हैं, ट्रिप बनाते हैं। तो ये है, बाकी मेरे को लग रहा है पहाड़ों पे लेके जाओगे तो आपको थोड़ा पावर लॉस होएगा कि भाई पेट्रोल है ना, पेट्रोल गाड़ी है, टॉर्क कम है। फिर ब्रेजा एक गाड़ी आती है मारुति की, उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी किसी क्रिएटर की, तो वो बेचारी व्हील्स भी नहीं मारती रह गई थी, पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा रहा था उससे। तो ये चीज आपको हो सकता है कहीं ना कहीं लगे, क्योंकि मैं तो कभी अपनी गाड़ी को लेके नहीं गया पहाड़ों पे। हाँ, इनोवा तो गई है, लेकिन वो रियर व्हील है तो उसका कुछ वो नहीं होता। जब इसको गाड़ी को सिटी में चलाते हैं, गुड़गांव जैसी सिटी में जहाँ पे जाम हमेशा लगता ही रहता है, तो ये क्या एवरेज दे देती है भाई? झूठ नहीं बोलूंगा 11-12। ये गलत दिखा रही है इसका मतलब? ये अभी हाईवे चल के आई थी ना तो फिक्स थी, 19 पे थी, अभी ये 3-4 दिन में 16 पे आ गई, तो 11-12 की दे रही है, तो एवरेज से तो यानी आप सेटिस्फाई नहीं हो। सिटी में क्या एवरेज देगी पेट्रोल तो दे देती है। कितनी? मेरी तो दे देती है 17-18 की, और हाईवे पे दे देती है 22 की। टैंक टू टैंक कर रखा है मैंने, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, सिटी के अंदर टैंक टू टैंक 1.5-3 चलती है। 1 लीटर करा था मैंने तो मेरी 18 किलोमीटर चली थी सिटी में मेरी, मतलब जैसे सिटी में टैंक फुल कराता हूँ ना 350 चलती है, अब हाईवे पे चल के आई थी गाड़ी 500 चल जाएगी, देखो 490 चली हुई है। ये चीज है भाई, वो गाड़ी गाड़ी का भी फर्क रहता है, ये थोड़ी वेट में ज्यादा भी है देखो स्विफ्ट से बात करें तो। तो ये चीज है भाई, तो यही देखा आपने अभिषेक भाई के द्वारा पूरा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। भाई ने कहा कि मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। हाँ, दुख एक गाड़ी से है कि भाई इसका बिल्ड अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, वो सब मारुति ओनर बोलते हैं, भाई ने भी बोला। मैंने एक वैगनार वाले भाई का भी ओनरशिप लिया था, वो शायद नहीं डाला होगा, वो भी यही कह रहे थे भाई बिल्ड अच्छा नहीं है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, वो तो बल्कि CNG में चला रहे थे, कहते पता नहीं चलता। भाई ने भी यही बोला गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बस एक बिल्ड से मेरे को शिकायत है, वो है ही है। तो ये चीज है भाई, पूरे शेयरिंग काट देना और छोड़ देना, शेयरिंग फिर देखेंगे अपनी जगह पे आता है या नहीं।
छोड़ो ये भी नहीं आया ये मारुति चू ये है ही मतलब मारुति में ना ये कर ही नहीं पाते ये काम भाई ये क्या कहते हैं मतलब किस चीज की गलती की वजह से होता है फिर ये भाई देख व्हील बैलेंस अलाइनमेंट तो नहीं है ये मैंने तो कराया अभी कल परसों मेरे का तो अभी भी नहीं आता है ये इनकी ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग ट्यूनिंग वगैरह नहीं कर रखी होगी इनकी मैन्युफैक्चरिंग में तेरी क्रेटा का तो आ जाता है भरपूर आ जाता है आओ अभी स्टेपनी में भी करूंगा ना जब भी आ जाएगा तो ये चीज है ये मारुति को करना चाहिए इस पे काम होंडा का आता है टोयोटा हर कंपनी का आता है ये इन्हीं का नहीं आता यार एक्चुअली इनकी मार्केट है मिडिल क्लास फैमिली की मैं बताऊं वो ये चीज देखते नहीं है हमारे जैसे लोग लेते हैं तो यही कुछ वीडियो थी भाई अभिषेक भाई ने पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया अभिषेक भाई का खुद का भी एक चैनल है आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं किस नाम से भाई अभिषेक गौर नाम से गौर नाम से है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके आप भाई को सब्सक्राइब करो बलिनो ही नहीं और भी सारी गाड़ियों से रिलेटेड भाई अपना कंटेंट डालते रहते हैं इससे पहले हमने एक और बलिनो का ओनरशिप लिया था वो भी अल्फा ही थी तो भाई ने जो वो वाले भाई थे उन्होंने भी यही सब बताया था जो अपने अभिषेक भाई ने बताया तो लगभग ओनरशिप सेम ही रहता है ज्यादातर अगर आप देखो तो लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बुरी हो सकता है किसी ओनर के साथ हुई हो जैसे कि हो जाता है और बहुत हो सकता है कि अच्छे किसी ओनर के साथ रही हो तो यही कुछ वीडियो थी भाई वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।